पापा को मार के फेंका गया, उसका सजा फांसी उन लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, कौन किए हैं बेटा? जहाँ गए थे वो मजदूरी करने? डांगरी के पुतो और बेटा। मेहरारू गिरफ्तार करिए, पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो महिला आई थी यहाँ पर। सुलंदर होकर रिश्तेदार हैं, मौसी मौसी का है, और जो मेरे पिताजी का मार है उसको फांसी होनी चाहिए। तो बूढ़ा बोला कि हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं निकल पाएंगे, हम मेरा भी मौत हो जाएगा। तो आप खुद की हिली है, आप हिली तो आप नहीं बूढ़ी, क्या मेरा आदमी बूढ़ गया? उसको मार के उसमें फेंक दिया, उसके बाद फिर बहाना बता रही थी। फिर मिट्टी का ये घर है, इनको कहीं ना कहीं एक ठो आवास भी मिलना चाहिए, जिससे जो है आंधी तूफान में इनके बच्चों की रक्षा भी हो सके। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। प्रयागराज के कौंधियारा के भमोखर गांव में इस वक्त मौजूद हूं, और यहां पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये महिला हैं, इनके पति को इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किसी के द्वारा मारा पीटा गया, जिसके बाद उनकी जब मौत हो गई तो उन्हीं लोगों के द्वारा उनको उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया था। और उनके जो है तीन बेटियां हैं, एक बेटा है, और कुछ रिश्तेदार इस वक्त मौजूद हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो इन बच्चों के पिता मुन्ना जो है कुशवाहा हैं, उनका आज के ही दिन सुबह में दाह संस्कार करा दिया गया है। और मामला क्या है और मामले में जो लोग आरोपी हैं कौन है, वो क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक या नहीं हुई है, आइए उनकी पत्नी से बात करते हैं। मुन्ना कुशवाहा जी के क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। क्या था मामला और कौन लोग हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, और क्या उनसे कोई आपका दुश्मनी था? नहीं, दुश्मनी कोई था नहीं, हम लोग घर पे काम कर रहे थे, कटाई लगा रहे थे, तो आए ज़बरदस्ती लेके गए थे, तीन चार दिन मेरे घर आए थे, तो हम लोग नहीं जाने दिए। तो उसके बाद फिर हम लोग दया खा के हम कहे चलो गांव देश के आदमी है, चलो जाओ कर लो, तो गए थे। तो उसके बाद उसको ले गए, वहाँ तो मार के फेंक दिया। उसके बाद हमारे ससुर जी ने खाना लेके गए तो बोले वह यहाँ नहीं है, घर चला गया। जब फिर उसके बाद बोली जाओ कमरा झांक लो, जब गए देखे तो कहीं नहीं मिले। फिर बाहर आए तो चप्पल दिखा, कपड़ा भी दिखा, तो फिर बोली कि देखो फिर गड्ढा में होंगे। तो वो कैसे जा, कौन बोला कि देखो फिर गड्ढा में होंगे? महिला बोली थी, औरत ही बोली कि गड्ढा में देखो। किस गड्ढे में उनका लाश था? गड्ढा है, वही घर बनवा रही है, चार कमरा फांदी है, वही माटी जेसीबी से निकलवाई है, उसी में पानी भरी है, उसी में बोल रही थी कि जाके हिल के देखो। तो बूढ़ा बोला कि हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं निकल पाएंगे, हम मेरा भी मौत हो जाएगा। तो आप खुद की हिली है, आप हिली तो आप नहीं बूढ़ी, क्या मेरा आदमी बूढ़ गया? उसको मार के उसमें फेंक दिया, उसके बाद फिर बहाना बता रही थी, फिर निकाल दिया, उसके बाद कोई पता भी नहीं दिया, पुलिस दोबारा कर दिया। उसके बाद यहाँ मट्टी द्वारा लेके आई है, उसके बाद तुरंत जैसे मट्टी आई है घर के आदमी नहीं जाने, पुलिस पहले पहुँचाया, जब पुलिस आ गया तो मट्टी लेके भाग गया, घर के आदमी नहीं देखे, कोई नहीं देख पाया। फिर जब मट्टी वहाँ गए थाने गए तो वहाँ भी हम लोग नहीं पाए, बोले कि लेके आगे बढ़ गए। तब आगे हम लोग क्या करें, जब वहाँ फिर गए हम लोग तो सब उनका कर दिए, तो फिर हम लोग आपसी लेके आए मिट्टी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे। हाँ, तो लेके आए थे तो हम लोग तीन दिन रखे रहे, तीन दिन इसलिए रखे रहे कि हमारा आदमी गूंगा था, कोई का कुछ नहीं कहता, जो कहते थे वही करते थे, जो अगर यह काम कर रहे हैं तो इसको छोड़ा उसको पकड़ा होगा तो वही करेगा, कुछ नहीं बोल पा। तीन दिन से उनको लेकर गए थे घर से आपके, तो फिर नहीं कुछ कर पाता। फिर उसके बाद तीन दिन हम अपने घर में मट्टी रखे रहे कि उसको बुलाने के लिए कि मेरा आदमी आपके क्या कहा, बिन जब बोलते नहीं तुमको क्या किया, काहे उसके संग ऐसे करी, काहे के लिए मार के फेंकी है गड्ढा में। और उन लोग हम लोग फिर गए, जब हम लोग जाने तो ताला बंद करके सब लोग भाग गए,
तो काहे के लिए भाग गए? जब आप कुछ करी नहीं तो आप काहे के लिए भाग गए? हमको कुछ नहीं चाहिए। पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है उन लोगों को? कुछ नहीं, हम यही उसको चाहते थे कि आप लोग आइए मेरे दरवाजे पे, आप जो गलती नहीं है तो आप लोग गलती नहीं है तो काहे के लिए भाग रही हो? जब लाश घर पे आई आपके तभी वो लोग सब लोग फरार हो गए थे? लाश तुरंत हमारे दरवाजे वहाँ सड़की पे गिराए थे, हमारे घर नहीं लेके आई है, वहाँ सड़की पे गिरा के तुरंत भाग गई है। हाँ बगल में तुरंत वही लोग लाश को लेकर यहाँ पर आए थे, वही लोग लेके आए। हाँ वही लोग लेके आए, लेके आए और तुरंत भाग गए ताला बंद करके। हाँ सब लोग भाग गए थे, कोई नहीं है। कौन कौन है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं कि इन लोगों का हाथ है आपके पति का जो है मौत में, उन्हीं लोगों ने आपके पति को मारा है? बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। उनके मम्मी के नाम है, क्या कहती डंगरा नाम है, और तो हम किसी के नाम नहीं जानते, उसको डंगरा डंगरा कहते हैं। और औरत ही लेकर गई थी यहाँ से? हाँ औरत आई थी, उसका लड़का आया था, वही लेके गया था काटने के लिए। खेत काटने के लिए नहीं ले गया, ले गया था अपने घर में काम कराने। हम लोग खेत काट रहे थे, घर में काम कराने के लिए लेकर गए थे, लेकिन वही घर के ही जहाँ पर नींव खुदाई हो रही थी वहीं पर उनकी लाश मिली। हाँ वही वही मार के फेंक दिया, वहीं पर लाश मिली थी। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि किस तरह का मामला है। जहाँ पर वो मजदूरी करने गए, जो लोग आए थे बुला कर ले गए, उन्हीं के नींव में जहाँ पर वो खोद रहे थे वहीं पर उनकी लाश मिली। और आप ये सोचिए कि जब घर वाले गए थे उनको ढूंढने के लिए तो वो महिला बोल रही थी कि देखो शायद गड्ढे में होंगे, और गड्ढे में ही पहले घर गए थे, क्या बोल रहे थे कि नहीं है? पहले खाना लेके गए थे तो बोले कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब ढूंढने लगे तो जाने की पा गई ही तो बोली, अपने आप बोली कि जाके देखो गड्ढे में है। गड्ढे में देखा तो गड्ढे में लाश? हाँ गड्ढे में लाश थी। फिर उसके बाद बोली थी बूढ़ा के कि आप निकालो, तो वो बोले हम नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको खुद कूद के निकाली है। हाँ कूद के निकाली है महिला, निकाली। हाँ वही महिला निकाली। देख सकते हैं दर्शकों, आप समझ सकते हैं इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी किया जाना चाहिए जो लोग भी आरोपी हैं इसमें। दर्शकों ये चारों बच्चे हैं मुन्ना कुशवाहा जी के, और पत्नी को तो आप देख ही रहे हैं। और आपको बता दें कि पत्नी जो है दोनों आँख से इनको दिक्कत है, ये देख नहीं पाती दर्शकों। एक आँख इनकी पूरी तरह से ख़राब है, ये वाली जो है दाहिनी आँख इनकी पूरी तरह से ख़राब है, और बाईं आँख में भी इनके जो है फूली पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं दर्शकों। तो आप समझ ही जाइएगा कि पत्नी क्या ही कर पाएगी, ये तो जो है कुछ काम भी नहीं कर सकती। हो सकता है अगर कहीं कुछ काम करने जाएंगी तो गिर जाएं, क्योंकि देख नहीं पाएंगी तो गिर जाएंगी ही। और ये बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा? वंदना कुशवाहा। क्या कहेंगी बेटा पापा के साथ ऐसा कैसे हो गया? पापा को मार के फेंका गया, उसका सजा फांसी उन लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा कौन किए हैं बेटा? जहाँ गए थे वो मजदूरी करने? डांगरी के पतो और बेटा। अच्छा अच्छा, जहाँ मजदूरी करने गए थे ना? हाँ। उनकी पतो, बेटा नहीं है। फांसी होनी चाहिए उन लोगों को। हाँ। बेटा नहीं है। पापा से कुछ बात होती थी? पापा बोलते नहीं, बोलते ना कहीं गूंगे थे वो, क्या बोलते? पापा गूंगे थे। हाँ। सुनाई भी नहीं देता था और बोल भी नहीं पाते थे? नहीं। देख सकते हैं ये बेटी, ये बच्ची सदमे में है इस वक्त। और आप समझ सकते हैं कि जो बेटी अपने बाप को खो देती है इतने छोटे से उम्र में, उसके ऊपर क्या ही बीत रही होगी, आप समझ सकते हैं। और ये तो बेचारे एकदम नादान हैं, ये दोनों बेटियां एकदम से नादान हैं, ये तो बोल भी नहीं पाएंगी, इनसे क्या ही सवाल मैं पूछूंगा। और इनका ये बेटा, बेटा इधर आ जाओ और आगे आ जाओ आप थोड़ा। क्या नाम है आपका? कृष्णा कुशवाहा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4। कहाँ पढ़ते हो बेटा? कौन सी यार? मोतीलाल इंटर कॉलेज। हाँ 4 में पढ़ते हो? यस सर। क्या कहोगे पिताजी के बारे में? पिताजी आपके नहीं रहे इस वक्त। जो मेरे पिताजी को मारे हैं उसको फांसी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे बेटा? मुख्यमंत्री जी आपको क्या दे? खर्चा चाहिए हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए।
मुख्यमंत्री जी, आप बोलते हैं कि आपके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है। अगर लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त होता मुख्यमंत्री जी, तो क्या आज ये बच्चे अनाथ हो पाते, बिन पिता के हो पाते? क्या ये पत्नी विधवा हो पाती? पति गया मजदूरी करने और वहाँ पर पति की वहाँ से लाश आई, पति जिंदा वापस नहीं आया। और जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगा रही हैं, जो जिनके ऊपर ये पत्नी आरोप लगा रही है, वो लोग फरार भी हो गए, भाग गए। और जब अगर भाग गए वो, तो आरोप तो उनके ऊपर आएगा ही ना, उनके ऊपर तो आरोप लगाया ही जाएगा ना, सख्त तो उनके ऊपर होगा ही ना। अब इसमें तो पुलिस को जांच करना चाहिए, पुलिस को जो है उनको जो है गिरफ्तार करके दबिश दे करके पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। सवाल तो ये है ना। और दर्शकों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो है जिन्होंने किया है, क्या नाम है उनका जिन्होंने किया, एक बार नाम फिर से बता दीजिए। डांगरी है, उसकी बहू है, उसका नाती है। हाँ, और क्या नाम है बेटों का? अब उसको नाम तो हम नहीं जानते, हम तो भाई थोड़ा वो आगे पड़ता है घर ना, नहीं पता है थोड़ा नाम, नाम किसी को नहीं पता है। अभी जो नाम कौन बोल रहा था, इतना तो बता रहे हैं ना, इतना तो सुनाई दे रहा है ना, जिसको बता रहे इसी के खोज के उठाओ खुद ही। एफआईआर दर्ज हो चुका है ना तीनों लोगों? हाँ, ये सब हो गया है। और महिला के खिलाफ भी हो गया है? सब हम करेंगे। महिला के खिलाफ हो गया कि नहीं है? नहीं हुआ है, महिला खिलाफ नहीं हुआ है। उसको कोई बोला नहीं, हम बोले थे किए नहीं। महिला ही लेकर के गई थी ना उनको यहाँ से। वही आई उसका, महिला के, महिला को भी उसमें नामजद करना चाहिए ना। अगर महिला ही आई थी लेकर के गई थी उनको, तो महिला भी तो उसमें कहीं ना कहीं उससे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए दर्शकों, क्योंकि महिला ही लेकर गई थी ना उनको। और अगर वो महिला लेकर गई थी तो जवाबदेही उस महिला का भी तो उसमें बनता है ना। और आपको बता देते हैं कि इस मामले में तीन लोगों पर, मतलब पुरुषों पर ही, अभी महिला पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, पुरुषों पर 302, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक इस महिला को, इस पत्नी को कैसे ढाढ़स मिलेगा, कैसे इस महिला को, महिला के दिल को सुकून मिलेगा कि इस महिला के पति के आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है, जल्दी इस महिला को न्याय भी मिलेगा, आखिर ये महिला कैसे सोच पाएगी, आप बताइए। और आपको बता दे, बहुत गरीब लोग हैं, इनका घर दिखा देते हैं, आइए, यही घर है, आइए आइए आ जाइए, यही घर है, यही घर है, दर्शकों देख सकते हैं। इस वक्त कड़कती दोपहरी में हम आए हैं और गर्मी जबरदस्त है, और यही घर है, यही घर है दर्शकों, देखिए, यही यही घर है, यही घर है, आप देख सकते हैं, खपड़े का और जो सीमेंट के चादर का और टिन का घर है, मिट्टी का ये घर है, इनको कहीं ना कहीं एक आवास भी मिलना चाहिए, जिससे जो है आंधी तूफान में इनके बच्चों की रक्षा भी हो सके। और आइए पूछते हैं, राशन ओसन क्या मिलता है इनको या नहीं मिलता, आइए। यही शौचालय है, शौचालय भी यही है, आइए। अच्छा ये बताइए, राशन ओसन मिल रहा है आपको? बच्चों को नहीं मिल रहा है, हमारे पति का मिलता था, हमारा मिलता था, एक बेटा है उसका भी मिलता था, ससुर का, बच्चों का, तीनों लड़कियां हैं, अब लड़कियों को नहीं मिलता था। हम लोग कितना यूनिट जुड़ा है? चार लोगों के, चार लोगों का जुड़ा है। हाँ, चार लोगों का जुड़ा है, हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग खाते हैं, मजदूरी नहीं। तो पति मजदूरी करते थे, अब कैसे होगा, वो तो भी दिक्कत हो जाएगी अब। अरे दिक्कत ही नहीं है, हम लोग कटाई करते थे, वो मजदूरी करते जाते, जैसे कोई हम लोग कटाई करते तीन लोग मिलके, अगर कोई आ जाता था तो बुलाने तो पठा देते थे, दो पैसा आ जाता था, उससे पैसा से हम लोग नून तेल ले लेते, कटाई करते थे तो कटाई से दाना अन्न आता है, उसी से हम लोग चलाते थे, यही है, और कोई नहीं है। हम लोग कौन सा कार्ड है, लाल कार्ड है कि व्हाइट वाला, सफेद वाला? सफेद वाला है, लाल कार्ड नहीं है, नहीं वो नहीं। इनका ग्राम प्रधान से जो है हम गुहार लगाएंगे कि इनका एक जो है लाल कार्ड भी बनाया जाए, जिससे जो है
इनको और आसानी हो सके अपने बच्चों को पालने में, क्योंकि अब इनके पास इनका पति नहीं रहा, तो इनको लाल कार्ड की ज़रूरत है, जिससे थोड़ा जो है राशन और ज़्यादा मिल पाएगा, तो बच्चों के लिए गुजारा आसानी होगी। तो ये मुन्ना कुशवाहा के पिताजी हैं, और आप देख सकते हैं जिस पिता का जो है दाग लेने का प्रावधान है बेटे का, ठीक है, लेकिन वही पिता आज उल्टा बेटे का ही दाग लेकर बैठा है, लोटा लेकर के बैठा है। सोचिए, बेटा जब ये पैदा किए होंगे तो इनके अंदर ख्याल यही आया होगा कि हमारा बेटा जब, अगर हम इस दुनिया से चल बसेंगे तो मेरा बेटा जो है दाह संस्कार करेगा, मेरा बेटा जो है मुझको अग्नि देगा, लेकिन आज बेटे को बाप नहीं मुखाग्नि दिया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस पिता पर क्या ही बीती होगी। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल क्या कहेंगे दादा आप? हीरालाल नाम बना कुशवाहा। क्या कहेंगे चाचा आप? बात क्या है, क्या नहीं है? बात ऐसा है कि हम लोग बोझ बांधते थे, तीनों आदमी, उसकी मेहरारू और लड़के भी, हम भी रहे वहाँ बोझ पकड़ने के लिए। तो मेहरारू पहुँची कि आज हमारा काम, पहले उसे कहा दो चार रोज जात रहे, तो फिर बाद में काम बंद कराए दे रहे। तो वहाँ दिन ऐसा अचानक हुए, कहा हमको दो दिन के अपना लड़का दे दीजिए। हम कहा दही तो दे, हमारे बड़ी काम काज ब, हम न पठाऊ। कहे ना ही अजबे तक लाख से रोड़ी विनती करे। वो आदमी आए यहाँ से, ओकर सहयोगी और रहन पार्टी वाले, कि जाए साला वहीं तो वहीं रहे कबरे उकरा जाए। हाँ नाम बता दीजिए, नाम को। हाँ नाम का कैसे, एक जन बबूने हैं, उनकी साठ रही, एक जने का कैसे वो है विजेंद्र, वहाँ कैसे उनके मौसी मौसी कहें, वो भी रहे सास में। और का बस ये दो आदमी हमारे नज़र में आए, तो हम ऐसा ऐसा सुना, वो पहले से बबूने के हम पैसा थोड़ा लिया थे, तो हम हाँ हम ले थे, तो उनसे 2000 रुपया उनके बाप दे रहे हैं, वो दे उन्हें रहे बिने ब्याज के, रक्षण के मामला रहा। हाँ बिने बिने ब्याज के दे रहे हैं, प्रधानी के मुफ सला रहा वहाँ समय में। तो कहा अपना तुम काम देखो, हमारा काम इधर उधर कम होगा, लगेगा आप पैसा जब हो जाएगा तो हमको दे देना। तो हम कहा ठीक बा। तो साहेब वो जोड़े जाड़े उकरे मारी इधर उधर लागन करे, पता नहीं कुछ के गोहरावे बोलावे लागन इनका। तो हमका क्या मतलब है, पैसा तो हम लिए थे, हमका पैसा तो हम लिए थे, उसको क्यों बुला रहे हैं, क्या ज़रूरत है, हम जब जिंदा हैं तो उनसे क्या मतलब है। अपन कहना हमारा पैसा दे दीजिए, तो हमका भाई हम 5000 जुगाड़ करके उनको दे दिया। तो फिर उनके बाद कहते थे कि अभी हमारा 2 बीघा खेत काट दीजिए। अच्छा, अच्छा, उसके बावजूद पैसा दे दिए। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए। तो हम कहा कि हम खेत नहीं काटेंगे, आप 2.5 बीघा कटवाएंगे, 1 बीघा का 1.25 बीघा 1.5 बीघा कटवाओ, तो हम नहीं कर पाए। एक से कुनबी आया, कुनबी आने से तो कहता हमारे यहाँ 2000 के बीघा मजदूर काटते हैं। तो कहे भाई हमारे 4000 दें, पैसे दे दें। तो वो महरारू उसकी हमारी काकती पतोहू कही कि तुम पैसा देखते हो कि इज्जत देखते हो। तो हमका जब तोसे बतियात हैं, तुमको बुलावत हैं, तो तुमको हमको बताना चाहिए ना कि हमारे पास ऐसी मुसीबत पड़ रही है। तो हम तो जिंदा हैं, तो उसको पैसा फेंको, देव पैसा ना अगर होगा घरे में, ना किसी से मांग ले, ठीक है, दूसरे से पैसा मांग के। एक जने हरजन हैं, उनसे पैसा 4000 और मांग के उनको पैसा दे दिया कि आज से हमारा तुम्हारा कोई काम नहीं, ना तुम्हारे यहाँ काम करे, आएंगे ना तुम्हारा खेत काटेंगे, समझो साहब। उसके बावजूद भी बाद में आए। हाँ फिर 4000 दिया, 9000 रुपया हो गई। अच्छा मतलब ब्याज एक तरह से 4000 ले। हाँ ब्याज की तरफ ले, ब्याज जोड़ के 4000 ब्याज ले लिए। देखिए दर्शकों, बिना ब्याज के पैसा दिए थे वो लोग, उसके बावजूद भी 4000 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पर पैसा लिए। और आप सोच सकते हैं कि आज भी वही सिस्टम चल रहा है जो पहले हुआ करता था। आज भी उसी तरह से छोटी जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा है बड़ी जाति के लोगों के द्वारा, जैसे पहले किया जाता था, तभी तो इस तरह से हो रहा है ना। 5000 रुपए अगर बिन ब्याज का पैसा इन्होंने लिया था,
तो जब इन्होंने दे भी दिया था 5,000 रुपये, तो उसके बाद भी इनके इनकी बहू को, मतलब मुन्ना कुशवाहा की पत्नी को बुलाते थे वो लोग, और जो है अगर वो नहीं जाती थी तो एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड करते थे कि और पैसा चाहिए। जब और भी पैसा 4,000 एक्स्ट्रा दे दिया गया, उसके बावजूद भी आए बुला करके ले गए और ऐसा कांड हो गया ना चाचा। हाँ साहब, कांड हो गया ना। हाँ अच्छा, मारपीट हाँ उनके लड़के, बीच में मारपीट भी किया गया था। हाँ उनके लड़के काका से यहाँ मार जमकी झटकी दे लागे, तो हमका और फेंक उनका 4,000 रुपया खत्म करना, हम खेत काटे उनका नहीं जाएंगे। मतलब पूरा पार आप जो है 9,000 रुपए 5,000 का हिस्से का मतलब हाँ, 9,000 दिए थे। 9,000 दिया था, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। हम उनसे 2,000 रुपया उनके बाप दे रहे, उनको मसारी वसारी रहे, कहीं आलू बोई कर रही तो हम भाई लेके काम कर ले रहे, तो कहाँ ले जाओ तुम्हारा लक्षण का मामला, हमारे साथ रहो। हमका तुम्हारे साथ ना रह तो केकरे साथ रह, तो हमारे संगे ऐसा दुर्घटना घटाई। देख सकते हैं दर्शकों, इलेक्शन का टाइम था और 5,000 रुपये इनको मिला था, ये वो लोग दिए थे साहब, साहब लोग 2,000 दे रहे 5,000 हम ब्याज 3,000 दे दिया उन्हें। हाँ जोड़ के पैसा दिया 9,000 रुपये आप लोग। 9,000 रुपया दिया, 2,000 के हिस्से का 9,000 2,000 खातिर 9,000 रुपया 2,000 रुपये लिए, फिर 5,000 दिए, फिर उसके बाद 4,000 दिए। ये है हकीकत, आज भी शोषण हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। और आप सोचिए कि भाजपा के सरकार में ऐसा हो रहा है, कहां से आ रहा है इन लोगों के अंदर हिम्मत ऐसा करने का। जब वो भोला साहब इसको हमारी दुकान रही तो बोला यहाँ आओ, तो ये हमसे 2 चक्कर बताए। हमका जब तो का इसी बात में पैसा है, खेत काटे कहे रहे तो खेत भाई उनका हम नहीं काटेंगे, पैसा उनको फेंको, पैसा दे दीजिए। तो पैसा जब दे दीजा तो फिर ओकरे बाद कोनो बात ही नहीं, फिर ओकरे बाद अपन राजनीति लगाए वो रहे और बुला लिए। हाँ कई कर दिए, बुलाए उसको, काम चल रहा तो कहाँ कुल सारा काम करते जाते हैं, हमारे यहाँ काम नहीं जाता वहाँ करने। हम कहा कि क्या गुहार लगाएंगे आप प्रशासन से, क्या कहेंगे उनकी गिरफ्तारी हो, और मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? आपके बेटे कहीं ना कहीं, आपका बेटा इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा, आपके बेटे को आपसे छीन लिया गया, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल साहब, मेहरारू की गिरफ्तार करिए, पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो महिला आई थी यहाँ पर। सुलंदर होकर रिश्तेदार हैं, मौसी का हैं, और उसे कहा कि तुमने ले चलो मट्टी, अपना लड़का है जो हम आ रहे हैं, वो 2 दिन हम यहाँ नहीं आए नहीं, तो और गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ उनका गिरफ्तारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से और क्या गुहार लगाएंगे मुआवजा के लिए? हाँ मुआवजा के लिए साहब वही बात आई रही, हम कहा कि कुछ मुआवजा दे दे जिससे भरण पोषण ये बच्चों का कर पाए, क्योंकि आप भी वृद्ध हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तू चला भाई, हम समझ ले थे आओ समझम न, वो आदमी अब वही नहीं भाई। हाँ चला गए अपना यहाँ से, हम से कार रहे, अब यहाँ आज गाड़ी करके छुड़वा जाए मेरे द्वारे, और अपन लोग चला गए। मुआवजा के लिए क्या कहें? घरे रहे। मुआवजा के लिए क्या कहेंगे? मुआवजा के लिए क्या कही साहब, हम सरकार को कुछ देना चाहिए, मुख्यमंत्री जो कुछ देना चाहिए। हाँ दे चाहे साहब, क्या कही। और आपका आपके आपके जो है बहू का जो है लाल कार्ड बनना चाहिए राशन के लिए ना। हाँ इससे राशन और ज्यादा मिले। आवास नहीं है साहब, हमारे को रहने का भी इनके पास नहीं है। हाँ कैसे प्रधान जी, हम आपसे यही कहेंगे इनका आवास के लिए। आपके गांव के प्रधान का क्या नाम है? मुन्ना नाम है उनका। हाँ सुनकर है मुन्ना है। हाँ 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 हम आपसे कहेंगे प्रधान जी कि आप जो है इनके लिए आवास का ऑनलाइन करा दीजिए, जिससे इनको आवास मिल सके और जो बच्चे हैं उनका सुरक्षा हो पाए आंधी तूफान बारिश में। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। हम यही कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से, खासतौर से प्रयागराज पुलिस से, जो आरोपी हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिससे इस पिता को न्याय मिल पाए, इसके बेटे को जिन्होंने भी मारा है उनको सज़ा मिल पाए, बच्चों के बाप को जिन्होंने मारा है इन बच्चों को न्याय मिल पाए, इस विधवा पत्नी को न्याय मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।